नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल ईजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू से झटमट बनने वाला नाश्ता, जो बहुत ही क्रिस्पी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है और अंदर से भी अच्छे से ही सिका है। तो जब भी आपका मन करे कुछ खाने का चटपटा, तो बनाए ये झटपट बनने वाला नाश्ता। तो आप शुरू करते हैं अपनी नई रेसिपी। आलू का झटपट बनने वाला नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ चार आलू लिए हैं, जो मीडियम साइज के हैं। इनको हमने छील लिया है। छील कर अब हम इनको कद्दूकस करेंगे। अब हम एक कद्दूकस ले लेते हैं और अपने आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ हमने अपने चारों आलूओं को कद्दूकस कर लिए। अब हम उनको फटाफट पानी में डाल देंगे, जिससे कि हमारे आलू काले ना पड़े। हमने अपने आलूओं को पानी में डाल दिए। अब हम इस आलू को तीन से चार बारी धो लेंगे दूसरे पानी से, जिससे कि इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा। हमें मसलते हुए अच्छे से धो लेंगे। यहाँ हमने अपने आलू को तीन से चार बारी धो लिया। देखो आप, बिल्कुल भी पानी गंदा नहीं है। अब हम इसको एक छन्नी में निकाल देंगे, सारा पानी अलग कर देंगे। यहाँ हमने सभी आलू को एक छन्नी में निकाल दिया। इसका कुछ हद तक पानी निकला है, अभी पानी इसका इसमें आलू में बहुत बाकी है। तो हम इस बाउल में इसमें इसको डाल देंगे। अब आलू में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसमें ज़्यादा नमक नहीं है ना, आधा चम्मच के करीब हम नमक गिर रहे हैं। और इन आलूओं को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने आलू में नमक मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ हमारे आलूओं को रखे हुए 5 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं कितना पानी छोड़ दिया है हमारे आलूओं ने। अब हम एक बर्तन लेंगे और उस पर इस तरह से कपड़ा रखेंगे और अपने सारे आलूओं को इसमें डाल देंगे। हमें अपने सारे आलूओं का पानी निकालना है। अब हम इसको निचोड़ लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से सारा पानी हम अपने आलू का निकाल देंगे। ये देखिए, हमने इसका सारा पानी निकाल दिया। अब रखते हैं इसको साइड में। अब इन आलूओं को एक बाउल में निकाल देंगे। इनको थोड़ा सा हम इस तरह से खोल लेते हैं अपने आलूओं के छल्ले। हम इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं अपने आलूओं को। अब इन आलू में हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। यहाँ पे आधा चम्मच हम चिली फ्लेक्स ले रहे हैं। आधा चम्मच हम ये ओरिगेनो डाल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास ना हो तो इसे ना डालें। थोड़ा सा डालेंगे इसमें हरा धनिया। हम धनिया में पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। यहाँ डालेंगे हम 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और साथ में डालेंगे 2 चम्मच मैदा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। हमने अपने आलूओं का पानी सारा इसलिए निकाल दिया था, जिससे कि हमें फिर कॉर्नफ्लोर या मैदा ज़्यादा ना गिरना पड़े। हमने सारा पानी निकाल दिया, इसलिए हमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा मैदा डालना पड़ेगा। ज़्यादा कॉर्नफ्लोर मैदा डालने से फिर हमारा नाश्ता अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, इसमें अब ज़्यादा कॉर्नफ्लोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मिक्स कर रहे हैं अपने नाश्ते को। वहाँ पर हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब अपना नाश्ता बनाने के लिए पहले हम अपने हाथों को साफ़ कर लेते हैं। अपना नाश्ता बनाने के लिए हमने हाथ साफ कर लिया और थोड़ा सा अपने हाथों में तेल लगा लिया है।
जिससे कि जब हम नाश्ता बनाएं तो हमारे हाथों में चिपके नहीं। अब हम थोड़े थोड़े से अपने आलू के लच्छे लेंगे और इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल बनाएंगे। हल्के हल्के हाथों से हम अपनी बॉल बनाएंगे। ये देखिए, और हम इनको रखते जाएंगे एक प्लेट में। बॉल बनाने से पहले इनको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि हमने जब ये निचोड़ा तो ये आपस में चिपक गए। इस तरह से हल्के हाथों से सभी हम नाश्ता तैयार कर लेंगे पहले। यह हमारी सारी बॉल बनकर तैयार हो गई है और आलू ने पानी भी बिल्कुल नहीं छोड़ा है। यह हमारी बॉल बनकर तैयार हो गई है। अब चलते हैं इसको फ्राई कर लेते हैं। यह हमारा तेल भी गर्म हो गया। हमें तेल को पहले ही गर्म होने के लिए रखना है। तेल हमारा मीडियम गर्म हुआ है। हमें मीडियम आंच पर ही अपने नाश्ते को तलना है। अब एक एक करके सभी बॉलों को इसमें डाल देंगे। हमने सभी बॉलों को डाल दिया। थोड़ी देर इनको फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इनको छेड़ेंगे। इनको तलते हुए एक मिनट हो गया, हम इनको पलट लेते हैं और मीडियम आंच पे ही इनको अच्छे से क्रिस्पी कर लेते हैं। इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता तलने में। इनको हल्के हल्के हाथों से पलट लेते हैं। और इनको सिकने देते हैं। हम इनको लगातार चलाते हुए इनको अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्पी कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है, खाने में झटपट बन भी जाता है। जब भी कोई गेस्ट आए तो फटाफट आप इसको बना सकते हैं। यह हमारा नाश्ता बन गया। देखो कितना अच्छा कलर भी आ गया, चारों तरफ से अच्छे से सिक भी गया। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। आवाज से ही पता लग रहा होगा ये कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे नाश्ता। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और झटपट बन भी जाता है। तो जब भी कोई गेस्ट आए या आपका मन करे कुछ चटपटा खाने का, बारिश का टाइम है तो जब भी बारिश हो तो फटाफट खुद भी खाएं और अपनी फैमिली वालों को भी खिलाएं।